तो यहाँ बस स्टैंड आते आते उसको 2-3 घंटे अगर जाम रहती है भयंकर वाली तो उसे लग जाती है, जबकि ये रास्ता जो है मात्र 10-15 मिनट का है। और इस वीडियो को सभी लोगों तक शेयर कीजिएगा, उन लोगों तक शेयर कीजिएगा जो इस चीज के बारे में, इस फ्लाईओवर के बारे में, या फिर इस फ्लाईओवर को रिकंस्ट्रक्शन करवा सकते। ये जो फ्लाईओवर बना हुआ है मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत बना हुआ है, और इसी के कारण जो है इतनी भयंकर वाली जाम रहा। तो 100% में 95% तक एक ब्रिज को रिकंस्ट्रक्शन करने के बाद अगर जाम की समस्या कम हो जाती है तो मेरे ख्याल से, मेरा हिसाब से, अगर इस जाम में कोई एम्बुलेंस या फिर कोई भी ऐसी इमरजेंसी गाड़ी जो जाम में 1-2 घंटे फंस जाती है, उसको सोचिए क्या हाल होता होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं चैनल टेक्निकल बिहार ब्लॉग। और दोस्तों आज का ये जो वीडियो है ये कोई अपडेट वीडियो नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे एक बोर्ड पे मैप को ड्रैग करके रखा हूँ, और यहाँ पे ये जो एरिया देख रहे हैं आप 0 माइल फ्लाईओवर लिखा हुआ है यहाँ पे, और SH1 जो है, और यहाँ पे अपना बस स्टैंड है। इधर जो आगम कुआं का रोड जाती है और ये गांधी सेतु जाती है। यहाँ पे 0 माइल है और यहाँ पे पहाड़ी है। यहाँ पे इतना भयंकर वाली जाम की स्थिति बनी रहती है। अभी रात का समय हो रहा है और देख लीजिए रात के 7:10 हो रहा है, और इस समय आप इधर से गुजरेंगे तो आपको बहुत ज्यादा जाम की समस्या से जूझना पड़ेगा। आप 1 घंटा भी जाम में फंसे रह सकते हैं। अगर कोई एम्बुलेंस आती है तो उसको भी परेशानियों का सामना बहुत ज्यादा तौर पे करना पड़ता है। मैं यहाँ पे वीडियो ऑन द स्पॉट वीडियो भी शूट किया हूँ, दिन का और नाइट का भी। पहले उस वीडियो को आप देख लीजिए कि कितना लोगों को परेशानी होती है यहाँ पे इस फ्लाईओवर के कारण। मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको, उस वीडियो को दिखाने से पहले आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में आपका इसको कैसे निजात, इस जाम से आप लोग दिलवा सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके। और यहाँ पे ये वीडियो आप शेयर कीजिएगा तो ये वीडियो जो है हमारे CM और पथ निर्माण मंत्री तक पहुंचेगा, तो इस पे एक्शन लेंगे और हम आपकी बातों को सुनेंगे, तब जाकर के ये जो जाम की समस्या बनी रहती है उससे निजात जो है वो हो पाएगा। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए जो मैंने ऑन द स्पॉट शूट किया है। तो दोस्तों यहाँ पे जिस ब्रिज पे मैं खड़ा हूँ ये 0 माइल फ्लाईओवर है, और ये ब्रिज जो है इसका जो है रिकंस्ट्रक्शन होना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं इसका जो है इसको कैसे रिकंस्ट्रक्शन करना चाहिए उसका मैं अपडेट आपको घर पे अपने बोर्ड पे मैप बनाकर समझाऊंगा। और दोस्तों इस ब्रिज के कारण ये ब्रिज जो है यहाँ पे आकर के गया मोड़ जो है, जो यहाँ पे इस साइड चल जाती है मसौरी और गया की चल जाती है, और वहाँ पे एक चौराहा पहले था जिसको कि बंद कर दिया गया है, और जिस वजह से यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा जाम की समस्या बनती है। और यहाँ पे देखिए सामने जो है यहाँ पे जो गया मोड़ है, और यहाँ पे ये ब्रिज जो है खत्म हो जाती है, और यहाँ पे देखिए किस प्रकार यहाँ पे जाम लगती है। और इसी के वजह से अभी तो दोपहर का समय हो रहा है तो काफी कम जाम है, इसी के वजह से जो है आगे जो है आपका महिंद्रा शोरूम है अगम कुआ का जो मोड़ है वहां तक जाम रहती है, और ये जाम जो है आगे महादेव स्थान वहां तक ये जाम लंबा लगी रहती है। कभी कभी यह जाम जो है इसी कारण, इस फ्लाईओवर के कारण, यहाँ पे चौराहा को हटा देने के कारण जो है ये जाम जो है टोल टैक्स तक पहुंची रहती है। तो देखिए रात के बज रहे हैं 8:30, और देखिए जाम की स्थिति अभी क्या है, देख लीजिए पूरा जाम लगा हुआ है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, ये देखिए जाम की स्थिति देख लीजिए, गाड़ियाँ बिल्कुल धीरे धीरे आ रही है, और उस साइड वाले गाड़ियाँ तो देखिए बिल्कुल पैक है, देख लीजिए देख लीजिए। और यहाँ पे देखिए जाम की स्थिति पहाड़ी पे रात का पूरा पैक हो रखा है, देखिए सारा बस एक लाइन से यहाँ पे लगा हुआ है, ट्रक लगा हुआ है, देख लीजिए पूरा का पूरा गाड़ी यहाँ पे पैक है। आपने ऑन द स्पॉट वाला वीडियो को देख लिया होगा और उससे आपको ये मालूम हो गया होगा कि दिन हो या फिर रात ये जाम जो है बहुत लंबा लंबा रहती है, और ये जाम जो है यहाँ पे पहाड़ी है, यहाँ पे 0 माइल है, और ये जाम मैंने उस वीडियो में दिखलाया भी और बोला भी है कि ये जो जाम है वो टोल टैक्स तक पहुंची रहती है, महादेव स्थान टोल टैक्स तक ये जाम पहुंची रहती है, और वहां से कोई भी गाड़ी आती है टोल टैक्स से या फिर महादेव स्थान से तो यहाँ बस स्टैंड आते आते उसको 2-3 घंटे अगर जाम रहती है भयंकर वाली तो उसे लग जाती है, जबकि ये रास्ता जो है मात्र 10-15 मिनट का है। तो दोस्तों उसके बारे में मैं यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ, और मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ, ये आप सुन लीजिए। मैं यहाँ पे आपको, यहाँ पे मेरे माइंडसेट में, मेरे माइंड में इस तरह का बात आया, और मेरे हिसाब से जो ये 0 माइल का जो फ्लाईओवर है ये बिल्कुल भी गलती बना हुआ है।
इसी को जो है रिकंस्ट्रक्शन करने की आवश्यकता है, और उसे रिकंस्ट्रक्शन कर दिया जाएगा तो जो है इस भयंकर वाली जाम से हम लोगों को, हम सभी को, आपको, हमको इस जाम से छुटकारा मिल पाएगा। तो सबसे पहले इस मैप की मदद से आप ध्यान से समझिए कि मैं क्या बोलना चाहता हूं, और इस वीडियो को सभी लोगों तक शेयर कीजिएगा, उन लोगों तक शेयर कीजिएगा जो इस चीज के बारे में, इस फ्लाईओवर के बारे में, या फिर इस फ्लाईओवर को रिकंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं इस वीडियो को और इस मैप को समझाते हैं आपको क्या इसमें है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए यहां पे है ISBT यानी पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल, जिसका नया नाम है, पहले ISBT इसका नाम था। तो यहाँ पे है ये आपका 0 माइल, यहाँ पे 0 माइल है पहाड़ी से, यहाँ पे लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे ये बस स्टैंड है। और यहाँ पे आपको बताते हैं ये जो SH1 मैंने लिखा है ये पटना गया रोड है, मतलब ये रोड से आप गया मसौढ़ी तक जा सकते हैं। ये जो है यहाँ पे 6 लाइन है, ये 6 लाइन रोड है जो कि अभी इसका निर्माण जो है नहीं हुआ है। पहाड़ी से लेकर के आपका बस स्टैंड तक के आगे जो एक पुल है, एक ब्रिज है, वहां तक जो है 6 लाइन बनना है, जिसमें कि दोनों साइड जो है रोड का चौड़ीकरण हो गया है, लेकिन बीच का जो पार्ट है मेट्रो का वर्क चल रहा है, जिस वजह से वो काम जो है अभी उसके बीच वाला जो रोड है उसमें काम चालू नहीं है मेट्रो वर्क के कारण। तो वो तो ठीक है, अलग बात है। अब यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे 0 माइल फ्लाईओवर है जो कि यहाँ पे, यहाँ से नीचे गाड़ी निकलती है, ये जो है 0 माइल का जो फ्लाईओवर है यहाँ पे शुरू होती है आपका ट्रांसपोर्ट नगर के आसपास से, और ये खत्म होती है यहाँ पे आकर के, जो गया मोड़ है यानी जो बस स्टैंड जाने का रास्ता है वहां पे ये खत्म हो जाती है। इसी फ्लाईओवर को दोबारा से बनाने की आवश्यकता है, या फिर इसे रिकंस्ट्रक्शन करने की आवश्यकता है। ये जो फ्लाईओवर बना हुआ है मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत बना हुआ है, और इसी के कारण जो है इतनी भयंकर वाली जाम का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। अगर ये फ्लाईओवर को, ये जो 0 माइल का फ्लाईओवर है ट्रांसपोर्ट नगर से जो स्टार्ट होता है, ये फ्लाईओवर यहाँ पे गया मोड़ के पास ना गिर करके, ये फ्लाईओवर जो है यहाँ पे महिंद्रा शोरूम के आसपास, अगर कुआ का जो रोड जाता है उससे आगे महिंद्रा शोरूम है उसके आसपास ये गिरती है, तब जो है जाम की समस्या से 95% तक छुटकारा मिल जाएगा। वो कैसे समझ लीजिए आप, ये फ्लाईओवर यहां से यहां आ जाएगा, इस जगह तक आ जाएगा फ्लाईओवर, यहां पे मैं लिख देता हूं F यानी फ्लाईओवर, वहां तक आ जाएगा। तो जो यहां से जो गाड़ियां आएगी इधर से बख्तियारपुर साइड से, या फिर टोलटेक्स से होते हुए गाड़ियां जो आएगी जिसको मीठापुर जाना है, तो ये सीधा यहीं से फ्लाईओवर पे चढ़ जाएंगे, और ये फ्लाईओवर के माध्यम से इधर निकल जाएंगे, जिनको मीठापुर जाना है, 90 फीट जाना है, या फिर रामकृष्णा नगर जाना है, या फिर उनको भूतनाथ जाना है, वो सीधा पुल पे चढ़ करके निकल जाएंगे, नीचे से उनको कोई मतलब नहीं है। तो ये जब पुल बन जाएगा तो इधर से जो भी गाड़ियां आएंगी यहां निकल जाएगी, और मीठापुर, रामकृष्णा नगर, या फिर 90 फीट से जो भी गाड़ियां को जाना है, टोलटेक्स जाना है, या फिर महिंद्रा शोरूम के आगे जिनको भी जाना है, महादेव स्थान जाना है, या फिर बख्तियारपुर जिसको जाना है, वो सीधा पुल पे चढ़ेंगे सभी गाड़ियां और सीधा निकल जाएंगे, उनको नीचे से कोई मतलब नहीं है। अब ये जो है पुल बन जाएगा, ये ब्रिज बन जाएगा, वहां जाके गिरेगा महिंद्रा शोरूम के पास से, तो उससे क्या बेनिफिट होगा 0 माइल पे और पहाड़ी के साइड में, और फिर यहाँ पे जो अगमकुआ का रोड जो जाती है, यहाँ पे बिग हॉस्पिटल है, यहाँ पे क्या बेनिफिट होने वाला है इस फ्लाईओवर को बढ़ा देने का, उसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई भी बस, जैसे बख्तियारपुर से या बिहार से नवादा से कोई भी बस आती है, तो उनको बस जो आ रही है वापस, तो उसको जाना है पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल यानी ISBT बस स्टेशन में, तो वो पुल पे नहीं चढ़ेंगे, यहीं से नीचे से उतरेंगे और पुल के नीचे नीचे होते हुए यहां से सीधा आ जाएंगे, उनको जाम में घुसना नहीं पड़ेगा, जाम की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा, वो जो भी बस है, जो भी गाड़ियां आना है बस स्टैंड, वो सीधा आ जाएगी जो उधर से आ रही है, जिसको सीधा जाना है। अगर उनको 0 माइल जाना है तो 0 माइल नीचे से जाएंगे, यहां से आएंगे और नीचे से 0 माइल वो जो भी गाड़ियां जाना है वो निकल सकते हैं। तो यहाँ पे दो ही ट्रैफिक डाइवर्ट होगा, एक जो है इधर आएगी जो कि गया जाना है या फिर बस स्टैंड आना है वो चल जाएंगे, और एक सीधा जो है 0 माइल की तरफ से नीचे से, यहाँ ब्रिज के नीचे से 0 माइल यानी गांधी सेतु को जा सकते हैं। ये बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट क्या है कि जो संपत चक से या फिर गौरी चक से या फिर मसौढ़ी से जो भी गाड़ियां आती है, फोर व्हीलर हो, बाइक हो या कुछ भी हो, यहाँ पे फ्लाईओवर रहेगा तो फ्लाईओवर के नीचे से इस साइड क्रॉस कर जाएंगे, यहाँ पे छोटा सा गोलंबर बन सकता है, उसको सीधा नीचे से फ्लाईओवर के नीचे से उस साइड हो जाएंगे। अभी क्या होता है कि जो भी इधर से गाड़ियां जाती है, जो गया से आती है, फिर बस स्टेशन से जो भी गाड़ियां खुलती है, बस ही हो चाहे बिहार से का बस हो चाहे नवादा का बस से खुलती है, तो उसको 0 माइल से घुमाना पड़ता है, वो उधर 0 माइल ना जाकर के सीधा ब्रिज के नीचे से इस साइड क्रॉस हो जाएंगे और सीधा वो बख्तियारपुर, इस्लामपुर, जहां भी जाना है उस गाड़ी को जा सकते हैं। अगर कोई ऑटो इधर से आती है संपर्क से, गौरी चक से, तो सीधा यहां पे आएगी ब्रिज के नीचे से, वो इस साइड हो जाएगी और यहां पे आने के बाद वो सीधा अगमकुआ को जा सकती है। तो ये बेनिफिट होगा यहाँ पे, इधर इसको जो है इधर से घूमना नहीं पड़ेगा, 0 माइल से आगे जाकर जो घूमना पड़ता है वो घूमना नहीं पड़ेगा,
वो सीधा ब्रिज के नीचे से ही आपको अगम कुआं को जा सकते हैं। उसके बाद अगम कुआं से जो गौरी चक, संपा चक, जो भी ऑटो चलती है, जो भी गाड़ियां आती है, जो भी बस, सिटी बस चलती है, जो मसौढ़ी अगम कुआं से बहुत सारा बस खुलती है जो मसौढ़ी को जाती है, तो वो बस खुलेगी यहाँ से। और यहाँ पे ब्रिज है तो यहाँ पे एक छोटा सा गोलंबर रहेगा, उसको आगे जाके घुमाना पड़ता है। एक यहाँ पे पहले सामने से घूमना होता था, जब ये फ्लाई ओवर जीरो माइल का नहीं था तो सामने सामने निकल जाता था, लेकिन अब क्या होता है कि जो भी अगम कुआं से बस आती है या फिर ऑटो आती है उसको आगे जाके 100 मीटर 150 मीटर आगे जाके तब यहाँ से फिर यू टर्न लेना पड़ता है। तो ये अगर फ्लाई ओवर रहेगा तो सीधा यहाँ पे गोलंबर रहेगा और सीधा जो भी बस आएगी, छोटा वाला बस जो चलता है मसौढ़ी के लिए, या फिर जो भी ऑटो आती है संपत चक, गौरी चक ले जाती है बेलदारी चक के लिए, वो सीधा ब्रिज के नीचे से इस साइड आ जाएगी और सीधा यहाँ से आकर के वो जहां भी जाना है संपत चक, गौरी चक या फिर जो बस आती है मसौढ़ी के लिए वो जा सकती है। तो यहाँ पे भी जो जाम होती है, यहाँ पे होता क्या है अभी की यहाँ से जो भी गाड़ियां आती है कुआं के साइड से, उसको जाना है संपत चक, मतलब इधर इस रोड में आना है, SH1 में आना है, तो उसको आगे जाके 100 150 मीटर आगे जाके यहाँ पे यूटर्न लेना पड़ता है। और इधर से भी गाड़ियां आती रहती है, तो यूटर्न लेने के कारण यहाँ पे इधर से जो गाड़ियां आती रहती है, अभी फ्लाईओवर नहीं होने के कारण जो अभी करंट सिचुएशन है, तो यहाँ पे जाम की समस्या बन जाती है। जहाँ पे यहाँ पे 100 मीटर आगे से जो यूटर्न लेना होता है, जो जिसको SH1 में जाना है, और कभी कभी ऐसा होता है कि जाम बहुत लंबा रहता है तो वहां पे ट्रैफिक पुलिस खड़े रहते हैं, वो 100 मीटर आगे जो कट दिया हुआ यू टर्न वहां से वो लोग घुमा देते हैं। और उसको क्या करते हैं कि वो महादेव स्थान से सभी गाड़ियां घूम के आती है, और होता क्या है कि महादेव स्थान तक जाम बनी रहती है। तो जिसको भी इतना शॉर्ट में जाना है, अगर कुआं से संपर्क की ओर जाना है, SH1 में जाना है, तो उनको यहां से सीधा 5 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है, फिर 5 किलोमीटर बैक होना पड़ता है, तब जाकर के वो यहां पे वापस पहुंचते हैं, जो कि सीधा रोड क्रॉस करके कर सकते हैं। यानी 8 किलोमीटर का मान लेते हैं एक्स्ट्रा उनको ट्रेवल करना पड़ता है, तब जाकर के वो भी जाम को जूझते हुए, तो इस समस्या से निजात मिल जाएगा। उसके बाद ये फ्लाईओवर यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे 0 माइल के पास आप समझिए, यहाँ पे जो है अभी क्या हो रहा है कि जो भी गाड़ियां जो है इधर से आती है बस स्टैंड, जैसे बिहार से का बस खुल रहा है, इस्लामपुर का बस खुल रहा है, तो यहाँ से 0 माइल आकर घुमाती है, 0 माइल में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। यहाँ पे जो है इधर से भी गाड़ी आती है, गाली सेतु से भी गाड़ी आती है, और यहाँ पे जो है जाम की समस्या बन जाती है। तो यहाँ पे फ्लाईओवर रहेगा तो सीधा बस जो आएगी यहाँ से ऐसे क्रॉस होकर के सीधा निकल जाएगी पुल ब्रिज के नीचे से, और जिसको जाना है मोतिहारी जाना है, बेतिया जाना है, मुजफ्फरपुर जाना है, हाजीपुर जाना है, जिस बस को, तो सीधा नीचे से आएंगे और इस साइड से ऐसे आकर के सीधा वो जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो और जो इधर का जो बस है बिहार शरीफ साइड का, या फिर बख्तियारपुर, इस्लामपुर, या फिर अगम कुआं जाने का जो बस ऑटो जो भी है वो सीधा निकल जाएंगे, तो यहाँ पे जो जाम की समस्या ज्यादा मात्रा में बनती है वो गाड़ियों का जो है 95% जो है कमी हो जाएगा। कमी देखने के लिए हर जगह मिलेगा, 0 माइल पे भी 95% जो गाड़ियां जो है इसका कमी देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे पहाड़ी मोड़ जो है, जिसको पहाड़ी पे बोलते हैं, यहाँ पे आदित्य विजन है, यहाँ पे भी गाड़ियों की संख्या जो होती है एक साथ इकट्ठा होती है, 95% कम हो जाएगा। और यहाँ पे अगम कुआं जो मोड़ है, यहाँ पे भी आगे जो 100 मीटर के बाद यहाँ पे कट है, इस साइड घूमने का ऐसे यू टर्न है, यहाँ पे यू टर्न मान लेते हैं, जिससे यहाँ पे कट है, इस साइड गाड़ियां आती है, इसे बना लेते हैं, यहाँ पे भी जो है 95% गाड़ियां कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जाम की समस्या नहीं बनेगी। और इधर अगम कुआं से जो इस साइड आना होता है संपत चक की ओर, यहाँ पे भी 95% गाड़ियां जो है वो कमी देखने के लिए मिलेगा अगर ये फ्लाईओवर बन जाता है। तो बस यही मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूं कि आखिर अगर इस 0 माइल फ्लाईओवर को आगे महिंद्रा शोरूम के आगे अगर गिराया जाता है, या फिर उसके आसपास इसको गिराया जाता है, तो जो भी 0 माइल के पास में जाम की समस्या बनती है, या फिर पहाड़ी गया मोड़ के पास में, आदित्य विजन के ठीक बगल में पहाड़ी मोड़ के पास जो जाम की समस्या बनती है वो कम हो जाएगी, और अगम कुआं जो है जो रोड जाती है इधर से, यहाँ पे भी जो जाम की समस्या बनती है वो भी 95% तक कम हो जाएगा। तो 100% में 95% तक एक ब्रिज को रिकंस्ट्रक्शन करने के बाद अगर जाम की समस्या कम हो जाती है, तो मेरे ख्याल से मेरा यह पक्ष है, मतलब मैं अपनी तरफ से बोल सकता हूँ कि इसको जल्द से जल्द जो है इस ब्रिज को है इंक्रीज करके आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि जो है हम लोग जो जाम में फंस जाते हैं, आम लोग तो झेल लेते हैं किस तरह से, अगर इस जाम में कोई एम्बुलेंस या फिर कोई भी ऐसी इमरजेंसी गाड़ी जो जाम में 1-2 घंटे फंस जाती है, उसको सोचिए क्या हाल होता होगा। तो इस वीडियो को जम के शेयर कीजिए, और बिहार के जो CM है उन तक पहुंचाइए, बिहार के जो सरकारी इंजीनियर है उन तक पहुंचाइए, और इस ब्रिज के निर्माण में जो भी कार्यरत हैं, इस ब्रिज का निर्माण करवा सकते हैं, उन तक शेयर कीजिए, और बिहार के पथ निर्माण मंत्री उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उनको ये आइडिया लग जाए। हो सकता है कि मेरे से पहले उनको आइडिया होगा, भले ही आइडिया होगा, लेकिन इसको जल्द से जल्द इंक्रीज करने की आवश्यकता है, ताकि जो है इस जाम की समस्या से जो है सभी लोगों को निजात मिल पाए, और इतना ज्यादा जो जाम लगता है उस जाम से जो है हम आपको कठिनाई ना होने पाए। दोस्तों अगर ये वीडियो, ये मेरा प्रयास, ये मेरा जो अपना मत है, मेरा जो पक्ष है, वो आपको अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर कीजिए, फेसबुक पे फैलाइए, ट्विटर पे
वीडियो को शेयर कीजिए, लिंक शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे किसी को पर्सनली शेयर कीजिए। और इस वीडियो को बनाने का मेरा यही उद्देश्य है कि ये फ्लाईओवर को जल्द से जल्द बनाना चाहिए ताकि इस जाम से छुटकारा हम लोग को मिल पाए। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो और मेरा ये जो मत है ये आपके मत से कैसा है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने चैनल टेक्निकल बिहार ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे क्लिक करिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय बिहार।